एक मैटर कराए राम मंदिर के अंदर, उसके बाद बंदूक को सीधा गोली मार दे मेरे में। दोस्तों अभी हम लोग आए हैं राम मंदिर से, अभी इधर से जा रहे हैं कनक भवन। कनक भवन में जाएंगे, बाकी इधर राम मंदिर घूमा मैं, बहुत अच्छा लगा। आपको राम मंदिर कैसा लगा? बहुत बढ़िया। अच्छा लगा? एक नंबर। एक नंबर का मतलब समझ रहे हो ना, एक नंबर। ठीक है, तो आप लोग यार मोबाइल अलग होता अंदर तो दिखा, मजा आ जाता। भाई साहब ऐसी वीडियो ला के देते ना तुमको, शायद ही अभी कहीं पड़ी हो यूट्यूब पे। खैर हमसे भी अच्छे अच्छे ब्लॉगर हैं। लेकिन एक सेकंड, बहन डर गई, बहन डर गई। लेकिन हम जैसा ब्लॉगर नहीं। हम लोग अभी पता है एक मैटर कराए राम मंदिर के अंदर। आपको मैं बताऊं, एक लड़की मोबाइल लेके गई थी वहाँ पे और यूज कर रही थी, फोटो क्लिक कर रही थी, मेरा भाई बिना परमिशन चल गई। तुमको तो पता है यूपी की बंदे कैसे होते हैं। फिर जब जल गई तो मैं ब्राइटनेस बढ़ा लूँ, जब जल गई तो मैंने भाई सिक्योरिटी गार्ड को बता दिया। सिक्योरिटी गार्ड को बताया तो उस पर एक्शन ले लिया गया, फिर उसने फिर बोल दिया, फिर से मेरे से बदतमीजी, फिर मैंने बोल दिया। तो हम लोग भाई देखो यूपी वाले बंदे ऐसे ही करते हैं, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इनसे पूछो, इनसे खुद पूछ लो, उसका फेस मतलब फेस का जो रिएक्शन था वो कैसा था? किसका? उसका? उसका, हाँ। बहुत खतरनाक, देखने लायक खतरनाक था कि बाहर अगर हो ना उसके पास बंदूक को सीधा गोली मार दे मेरे में, ऐसा रिएक्शन था। लेकिन क्या है भाई, हम ठहरे भाई यूपी के, और यूपी में एटा एटा का लपेटा बाप बचे ना बेटा, समझ लो बेटा। मेरा पता है मूड किधर घूम गया, यू बोल रही यू कैन गो इंग्लिश। जब उसने बोला तो मैंने फिर से सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया और मैंने बोल दिया भाई देखो इसके पास फोन है। उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो हमने बता दिया ऐसा ही हुआ, किसके पास फोन है? हमने बोला इसके पास फोन है, बस लग गई लंका, खत्म, टाटा बाय बाय गया। सो गाइस बताते हुए हम चले आए कनक भवन। ये है कनक भवन, ये है कनक भवन का मेन गेट, कुछ इस प्रकार से दिखता है ये, और बहुत ही अच्छी है डिजाइन वगैरह, बहुत अच्छा लगा, वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं कनक भवन के बाहर, ये है मेन गेट, और आप देख लीजिए जो जो लोग आए हैं आ चुके हैं यहाँ पर, वो लोग कमेंट कीजिए और बताइए कौन कौन आ चुका है यहाँ पे। कनक भवन के बाहर हम लोग अभी खड़े हुए हैं, बहुत अच्छा दृश्य है भाई, अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अभी जो हमने व्यूज़ दिखाया है वो है कनक भवन के अंदर का, जो कि बहुत ही अच्छा नज़ारा है। यहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है, लेकिन जल्दी से बना लो और उसको रख लो, क्योंकि मैं अभी गार्ड से पूछा, भाई ने बोला कि जल्दी से बना लेना और अपना कैमरा भाई अपनी पॉकेट में रख लेना। अभी मैंने व्यू दिखा दिया, तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ऑन कर लो, लाइक कमेंट शेयर। क्या कह रहे हैं? अच्छा, खुद वो कैमरा संभाल ले भैया। श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का राजमहल, यो रहा आप देख सकते हैं। इसको अंदर दिखाने के लिए हमको अंदर जाना पड़ेगा, तो हम लोग अंदर जाने वाले हैं क्या अंकित भाई? अंदर चलना है, तो हम लोग अभी अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं दशरथ जी का राजमहल ये कैसा है। ये दोस्तों दशरथ जी का राजमहल, अंदर से भी दिखाते हैं अभी, और भी अंदर चलते हैं दिखाते हैं आपको। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? प्यारी समझ गई। हेलो गाइस, हमारा ये इधर राम मंदिर जाने के लिए ये बना हुआ है, तो यहाँ पे अभी रील रील बनाएंगे, वीडियो बहुत फेमस जगह है, यहाँ पे फेमस जगह है, तो हमने सोचा यही बनाएंगे वीडियो, और कहीं बचेंगे ना।
हम यूपी से प्रधान यहाँ दिन दाने गोली चलते यूपी से प्रधान यहाँ दिन दाने गोली चलते। ये क्या बोल दिया इन्होंने। अभी देखो हम लोग वहाँ पे जाने वाले हैं वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, हम शॉर्ट वीडियो शूट करेंगे और शूट करने के शॉर्ट वीडियो शूट करेंगे। इतना है अब जो इन्होंने बोला उसको तो तुमने देख ही लिया है, ठीक है। तो इस ब्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड। हमारे ब्लॉग में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सच में सब्सक्राइब नहीं किया तो हम तो छोटे लोग हैं, हम तो सिर्फ वीडियो ही बना सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते। सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पे लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करो।